अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं मोहसिन नकवी, आपका मेज़बान। आज मैं आपके लिए वेब टॉल के बारे में जो है वो एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेब टॉल क्या है। सो गाइस, वेब टॉल एक फ्री ऑनलाइन पैसे कमाने का प्रोग्राम है जो बिल्कुल फेसबुक की तरह काम करता है, जिसमें डेली आपने 5 पोस्टें करनी होती हैं। चाहे आपकी तस्वीर हो, अकवाले जरी हो, खूबसूरत सीनरी हो, फलों की तस्वीर हो, करेक्टर की तस्वीर हो, और इस तरह की करनी होती हैं। और जिस तरह फेसबुक में पोस्ट करते हैं हम लोग, मगर फेसबुक हमें बदले में कुछ नहीं देता, मगर वेब टॉल्क बदले में हमें पैसे देता है। जैसे ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर होंगे इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आपकी इसमें अकाउंट बिल्कुल फ्री बनता है, अकाउंट बनाओ और पैसे कमाओ, मगर मेहनत शर्त है। अगर आप इस काम में संजीदा हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस काम में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे इंशाल्लाह आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा टाइम वेबसाइट को दोगे उतना ज़्यादा अर्निंग वेबसाइट आपको देगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइज़, हम अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं ताकि हम सीख सकें कि वेब टॉल का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। एक और बात आपको बता दूं कि वेब टॉल फ्री एप्लीकेशन है, फ्री वेबसाइट है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। मतलब आपको कोई भी पैसा वेबसाइट को नहीं देना होता है। जी, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है मोबाइल की स्क्रीन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा अपना अकाउंट है, यहाँ पे हम जहाँ ज्वाइन वेब टॉल्क लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ लोडिंग होगी, उसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको अपने अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो आप इसे फेसबुक और गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना अकाउंट न्यू क्रिएट करूँगा। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट नेम लिख दिया। अब लास्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस देंगे हम अपना। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ही दूँगा। ईमेल एड्रेस हो गया, ओके। और अब यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड दोस्तों ऐसा लगाना है हमने कि जिसमें 8 करेक्टर्स हों, मतलब 8 हिंसे हों, जिसमें मतलब कैपिटल भी हों और स्मॉल भी हों, और चाहे वो सिंबल्स वगैरह मतलब कीबोर्ड के सब करेक्टर्स को का हमने पासवर्ड क्रिएट करना होता है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड गिना जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर लिया। अब ज्वाइन वेब टॉल्क पे क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू पे यहाँ पे हम अपना जो है वो बर्थडे देंगे, मंथ, ईयर और डेट। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे कोई अपना मंथ, और यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी डेट को। आपके आईडी कार्ड पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, और यहाँ से हमने ईयर सेलेक्ट करना होता है।
और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे मेल मेल सेलेक्ट करेगा और फीमेल फीमेल सेलेक्ट करेगी, तो कंटिन्यू। एंड देन यहाँ पे हम अपनी लोकेशन देंगे, अपना सिटी नेम टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसे भाई फिर ये देख मैंने क्वेश्चन दे दी, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब तो वेलकम। यहाँ पे हमें आप देना होता है कि हम इंसान ही हैं, वो वेबसाइट को यूज़ करने के लिए कोई रोबोट नहीं तैयार किया हमने, हम इंसान ही हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि उन्हें पता चल जाए ये गुड हो गया, ओके हो गया जी। यहाँ पे अब हमने जो ईमेल दी हुई है वो उस पर हमें ईमेल आएगी वेरिफिकेशन कोड की, तो आपने वही ईमेल देनी है जिस पर आप जो है वो जो आपके मोबाइल में एक्टिव हो, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके पास टाइम से पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं आप, मैंने ईमेल ही दी है, तो ईमेल में जाकर दोबारा जो है ना वो चेक करेंगे, अभी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, तो हम ईमेल में जाएंगे अब ताकि हम जो है ना वो वेरिफिकेशन कोड देख के यहाँ पर लगा रहे। ये देखें वेबटॉल की दो ईमेल्स आई हुई हैं और मैंने रीसेंड भी किया था ना, तो इस वजह से ये देख लें यहाँ पे इस कोड को इसी तरह पे यहाँ टाइप कर लेंगे ताकि ये वेरीफाई हो जाए और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपना सारा जो है ना वो डाटा देना होता है प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए, 15% हमने कर लिया है और बाकी का जो हमने लाजमी देना होता है यहाँ पे अपना ऐड योर एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे हम लोग। तो अभी आप जिस कंपनी में हैं अभी, तो उस कंपनी का नेम लिखेंगे, मैं यूट्यूब पे हूँ तो यूट्यूब ही लिखूँगा, और जॉब होती है जो जॉब आप करते हो, जो आपका जो है वो अभी जो काम कर रहे हैं आप उस, तो मैं यहाँ पे यूट्यूबर ही लिखूँगा। लोकेशन देंगे किस लोकेशन पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने जो है ना वो यहाँ पे देना होता है अरसा जो है वो दौरानिया, कितना हम कब से ये काम कर रहे हैं और कब तक करेंगे या किया है, तो यहाँ पे हम देंगे ना मंथ और ईयर कब से हम लोग, मैं यूट्यूब पे हूँ और नाउ प्रेजेंट आई एम करंटली वर्क हेयर, यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि मैं उन्हें बताऊँ कि मैं अभी यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूँ, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एजुकेशन ऐड करेंगे हम लोग, कितनी स्टडी हमने की है, क्या एजुकेशन हमारी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा अपनी। ये सब कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, कैसे कैसे क्या क्या किया हुआ हमने, अपना स्कूल का नेम, स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी, डिग्री, ये वो सब कुछ यहाँ पे स्कूल नेम लिखेंगे।
लोकेशन देंगे उन्हें कि हमारा स्कूल किस लोकेशन पे है। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड देंगे, टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में हमने जो है वो मैट्रिक मैंने क्लियर की थी, तो कब से कब तक स्कूल में रहा हूँ। तो मैं सिर्फ़ मैट्रिक का ही यहाँ पे दूँगा ताकि जो है ना वो जल्दी में। ये आपने अपना ही देना है, जो आपने जो डिग्री आपने की हुई है उसका दुरानिया यहाँ पे अपना ऐड करेंगे। यहाँ पे ईयर ऐड करेंगे और इसके बाद हाँ देखो, ओके ओके, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, जो हमने अपनी जो है वो आईडी पे पिक लगानी है प्रोफाइल की, पब्लिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं कोई सेलेक्ट कर लूँगा प्रोफाइल पिक्चर के लिए, कोई भी कर लें। अगर आप के पास नहीं है तो आप कोई भी, कोई फूलों की या कोई नेचर की पिक्चर कोई भी ऐड कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है ऐसा। अभी मैं ये पिक लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये देखें मैंने पिक ऐड कर दी है। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इसे, अगर आपने इसे जो है वो रोटेट वगैरह करना है या कुछ भी तो आप कर सकते हैं। ये टिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि ये यहीं पे सेव हो जाए। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम अपना काम कंटिन्यू रख सकें। जी यहाँ पे हम लोग अपना शॉर्ट बायो ऐड करेंगे, कोई भी कुछ भी लिख दें, मतलब जैसे आप लिख दें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा आई लव नेचर, मतलब मुझे नेचर से, कुदरत से, कुदरती चीज़ों से प्यार है, तो मैं यहाँ पे आई लव नेचर लिख दूँगा। कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई कोई अच्छी लाइन, कोई अकवाले ज़रिए लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो मैंने यहाँ पे ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे हमें जो है ना वो 10 पीपल्स को फॉलो करना होता है अपनी प्रोफाइल कंप्लीट के लिए। तो यहाँ से हम लोग जो है ना वो 10 लोगों को, किसी को भी फॉलो करेंगे। और यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं हमें, जैसे मैंने अभी एक को फॉलो किया और इसे अभी कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी उन्हें, ताकि हम इससे उनसे जो है ना वेब टॉक में मैसेजेस पे भी बात कर सकते हैं। तो मैंने इसे जो है ना वो कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। तो यहाँ से हम लोग जो है वो 10 लोगों को फॉलो करेंगे, 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 10 को लाजमी करेंगे, ये वेबसाइट की पॉलिसी में है प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए। ये मैंने सब है, मतलब फॉलो कर लिया, 10 से ज़्यादा ही किया मैंने ऑलमोस्ट। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये लें, वेल डन, हमारी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है।
तो यहाँ पे एनरोल असाइनमेंट आप क्लिक करेंगे ताकि हम जो है ना अपनी आईडी को कंप्लीट रख सकें अपने जो है वो पेमेंट के लिए। तो ये भी ज़रूरी होता है, आपको ये स्क्रॉल करना होता है ऊपर, एंड तक जाएंगे आप, ये स्क्रॉल करते जाएं एंड पे जाके ये आपने यहाँ पे टिक लगाना होता है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे आपने नेम लिखना होता है, जो आपने अपनी आईडी का नेम लिखा है, फर्स्ट नेम लास्ट में नेम जो आपने फर्स्ट में लिखा था ना, वही नेम यहाँ पे टाइप करेंगे आप, ताकि जो है वो एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो साइन द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, ये लें अर्न मोर विद रेफरल रिवार्ड्स। अब आप अपने रेफरल्स के रिवार्ड के लिए भी एलिजिबल हैं, मतलब अपने रेफरल्स के भी रिवार्ड आपको आएंगे पॉइंट्स। तो ये देखें, तो फ्रेंड्स हमने अपना वेबटॉल का जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लिया है कंप्लीट। अब इसके लिए सिर्फ हमारे पास जो है वो पेमेंट अकाउंट जो है वो लगाना रह गया है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो मैंने पहले से ही वीडियो बना के जो है वो अपलोड की हुई है। और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमने अपना पेनिर का अकाउंट जो है वो वेबटॉल के साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन एरिया है, ये रिवार्ड एरिया है, ये देखें एनरोलमेंट हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, तो उसका नोटिफिकेशन हमें आ गया है, ये देख लें। तो गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे देख लें हमारी प्रोफाइल, यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं अपने, अगर किसी चीज़ को मसलन चेंज करना है अपने कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन भी, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये सब ये नोटिफिकेशन ऐड सेटिंग्स, ये लाइव नोटिफिकेशंस, ये कुछ भी अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, टर्न ऑफ। तो थैंक्स गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पे रहें ताकि मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।